हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अभी बज चुके हैं सुबह के 8:30 और हम उठ चुके हैं। बस ऐसी आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि मैं बीच में चले गया था पहाड़, तो वहाँ पे थोड़ा काम वगैरह बहुत थे तो निपटा निपटू के अपने, तो कल आया हूँ मैं हल्द्वानी अपने घर। तो आज करते हैं, जाते हैं चाय वगैरह बनाते हैं, उसके बाद चाय वगैरह पी पा के देखते हैं क्या होता है, क्या करना है आज का काम, क्या क्या बचे हैं पेंडिंग। थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं जो मैंने निपटाने हैं, वो निपटा के फिर उसके बाद देखते हैं। और आज भाई भी आने वाला है तो चलते हैं चाय वगैरह बनाते हैं। तो हमारी चाय बन के आ चुकी है, ये है हमारी चाय। और चाय बनाते बनाते भाई भी आ गया था तो आपको भाई से मिलवाते हैं, ठीक है? ये है देखिए तो मेरा छोटा भाई तनुज। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। कहाँ थे तनु? हैं, मैं सोकर अभी आया हूँ, उठाऊँ और भैया ने चाय बनाकर अभी बस दे रखी है और मोबाइल चलाया जा रहा है। वही चल रहा है तो अभी चाय पीते और देखते हैं उसके बाद क्या क्या करना है। चाय पीते पीते प्लान बनाएंगे क्या क्या करना है, दो तीन काम है वो निपटाने हैं आज के, देन उसके बाद देखते हैं आगे क्या चलता है। और दो तीन काम निपटाते निपटाते ही हो जाएगी पूरी शामी, हो जाती है दो तीन काम निपटाने में क्योंकि काम बहुत बड़े हैं इसीलिए, तो हो जाएंगी, टाइम तो अच्छा खासा लगने वाला है। ये हमारे भाई साहब है, फ़ोन में लगे रहते हैं 2400 घंटे, इनका कोई दिन मान नहीं है। ये फ़ोन, इनको फ़ोन चाहिए या बस ये चाहिए, बस चाय पी लिए, चाय पी के रेडी होके चाय पी लिए, सब चीज़ ख़त्म हो गया अभी तो। अभी हम जाएंगे नहाने अपना बढ़िया तरीके से, मैं नहा धो के उसके बाद। क्यों तनुज जी, तुम नहाना फिर, मैं थोड़ा नहाऊंगा, ठंडा हो रहा है बाहर। बहुत ही ठंडा हो रहा है, ये धूप आ रखी है इतनी खिड़की में, ठंडा हो रहा चिल्ले। हेलो गाइस, हम लोग हो गए अभी समय रेडी, सब चीज़ रेडी वगैरह, नहा धो के एकदम रेडी हो चुका है। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक हमारे घर पे ना एक हमारा भाई है, वो सुबह से मैं नहा के रेडी हो गया हूँ, सब चीज़ हो गया हूँ, वो सोफे में बैठा हुआ है और फ़ोन पकड़ रखा है, फ़ोन चार्जिंग में लगा रखा है और लगा पड़ा है देखने में, शार्क टैंक इंडिया देख रहा है। ये देखिए ये लगा पड़ा है तन्नू, है तन्नू? गाइस मैं भी अभी मतलब नहा धो के तैयार होने वाला हूँ थोड़ी देर में। हाँ थोड़ी देर में, 1 घंटे में, हाँ 1 घंटे में मैं जब तक आ जाऊँगा निपटा के काम धाम ना, तब तुम रेडी सब होगे ना। तैयार, बहुत फिर बढ़िया। आकर आपसे बर्तन धोने हैं तो ध्यान से धो लेना। बर्तन आज तूने धोने, मैंने नहीं, आज तूने धोने बर्तन, मैंने नहीं। तो गाइस चलते हैं, अब हम रेडी हो चुके हैं तो अपना काम वगैरह निपटा के, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ निपटा निपटू के हम चलते हैं गाइस। हेलो गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं अपना काम वगैरह सारा निपटा निपटू के घर, तो अब हम करेंगे यहाँ पे अपना लंच की तैयारी। आज एक्चुअली पुलाव बन रहा है, तो छोटा भाई जो है आज उसकी ड्यूटी थी बर्तन धोने की, तो ये देखिए भाई बर्तन धो रहा है तनु, ये भाई बर्तन धो रहा है छोटा वाला, तो उसके बाद हम आइए आप सब भी धोइए बर्तन। और उसके बर्तन धोएंगे वो, आइए ये बर्तन इसलिए धो रहा है कि मैंने पुलाव बनाना है, तो इसलिए वो करेगा बर्तन धोएगा तो फिर कुकर वगैरह धुल जाएगा, तो देन उसके बाद हम पुलाव बनाएंगे। तो खाने लायक होना चाहिए, खाने लायक पुलाव होना, ये क्या कह रहा, सुनिए इसकी बात गाइस, खाने लायक पुलाव होना चाहिए, खाने लायक ही होता है हमेशा, अच्छा चीज़ बनाता हूँ, गंदी चीज़ नहीं बनाता। तो गाइस पुलाव बनता है तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। हे गाइस, तो अभी यहाँ पे हमारा सैलेड वगैरह रेडी है, पुलाव बनने में 10 मिनट लगेंगे, ये आपका गाजर और खीरा, देन उसके बाद टमाटर और प्याज, ये दोनों हमने काट के रखे हैं, तो ये सलाद तो हमारा रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, दोनों हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर रखे हुए हैं। तो उसके बाद अब चलते हैं, अब सीटी खुल गई होगी कुकर की, कुकर की सीटी खुल गई ना भाई, वो खुल गई है, तो उसके बाद हम अब लाते हैं, तो उसके बाद आपको बताते हैं कैसा है क्या नहीं है टेस्ट वगैरह। शायद मेरे हिसाब से नमक थोड़ा ज़्यादा ही होगा क्योंकि मैं नमक ज़्यादा खाता हूँ, भाई का पता नहीं भाई को कैसा लगता है नमक, कैसा लगता सही है? होगा, मीडियम। मीडियम रहेगा ना, हाँ मीडियम रहेगा, मीडियम रहेगा। ये देख लो सुबह से आपको दिखा रहा था, ये फ़ोन में रहता है, फ़ोन ही में रहता है, देखो अभी रख दिया फोन आपको कहाँ देख है, के मेरे इसने, हाथ में है। ये देखो। और इसने जो ये बालों का सेटअप रखा ना, KGF मूवी देखी थी तो वो देख के इसने रख लिया। हाँ KGF मूवी से मैं बहुत प्रभावित हुआ हाँ बहुत ये ही चीजें ज़्यादा, रखने के लिए। मैं हाँ KGF मूवी से बहुत प्रभावित हाँ हुआ मैं, तब उस चीज से मैंने मुझे भी रखा मुरुड़ है। लो और थोड़ी सी अब मुड़ने वाली आनी रखी है, अभी जब आएंगी तो फिर मुड़ जाएंगे अच्छे से। ठीक हो गया। तो गाइस अभी चलते हैं किचन पे, और किचन पे
कुकर खोलते हैं और देखते हैं कैसा है क्या है, सबको थाली पर रखते हैं, देन उसके बाद खा के टेस्ट करके बताते हैं। और खाने के बाद अपना सीधा काम है सोना और सो जाएंगे, शाम का बताएंगे। शाम को ऐसे तो कोई काम है नहीं क्योंकि हमने सब चीज़ निपटा दिया है, जितना भी काम था मार्केट का सब करके आ गए हैं, वो सब चीज़ हो चुका है। तो गाइज हमारा पुलाव हो गया रेडी एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हो रहा है, क्या है, सही तरीके से तही है, सब चीज़ बढ़िया तरीके से बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आ गया बन के एकदम हमारा बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से, ये आ गया बढ़िया तरीके से बनाया हुआ एकदम। खाते हैं इसे उसके बाद बताते हैं कैसा है क्या नहीं है, बढ़िया तरीके से एकदम ना, तभी आपको बताएंगे। ओ तो अभी हमने अपना खाना वगैरह लंच वगैरह सब बढ़िया कर दिया। एक्चुअली मैं सेकंड टाइम मैं पुलाव बनाया था तो पता नहीं कैसा है क्या नहीं है, तो भाई से पूछते हैं, भाई बताएगा कैसा था क्या नहीं था, क्या चीज़ की कमी थी, क्या चीज़ सुधारनी है वहाँ पे। भाई बताना ज़रा। मैं इतना ही कहूंगा, पुलाव तो बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, थोड़ी सी नमक की कमी थी, थोड़ी सी हाँ चुटकी बराबर, लेकिन वो भी मेंटेन हो गया था दही के साथ। दही के साथ मेंटेन हो गया था ना हर चीज़। हाँ हाँ ठीक है, मतलब बढ़िया बना था, बढ़िया बना बना, सकता हूँ मतलब मैं हाँ आगे बना से। सकते हो, शायद बन सकते हो हाँ तुम। सैफ नहीं बनना, हमने घर में अकेले हैं तो अभी खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कभी टाइम में मम्मी कहीं जाए रहती है, तो घर में अगर हम अकेले हैं तो हमें खुद बनाना आना चाहिए, अभी हम खा सकें उसको बना के, हमेशा तो बाहर से ऑर्डर करके नहीं खाएंगे ना। तो गाइज अभी हमारा हो गया है काम सोने का, अब हम सोएंगे। हे गाइस, तो अभी मैं सो के उठ चुका हूँ, तो अभी आया तो किचन में चाय वगैरह बना रहा, चाय वगैरह बनाते हैं, तो बज चुके हैं शाम के 5:30। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ी से कहीं जाना है बाहर, तो इसके लिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए।